जहां पूरे देश में कोरोना महामारी से कुछ लोग ठीक होकर अपने घर आए हैं, तो वहीं कुछ लोगों के पूरे परिवार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे कई बच्चे अनाथ हो गए तो कई के सिर से पिता का साया ही चला गया, जिससे परिवार के सामने संकट आ गया। ऐसा ही एक परिवार की बात हम कर रहे हैं, जो कि विदिशा जिले के शमशाबाद का है। परिवार के मुखिया कमल बाबू पटवा, जो कि पशु अस्पताल में काम करके अपने परिवार को चला रहे थे, उनकी अचानक कोरोना से मौत हो गई, जिससे परिवार की हमेशा के लिए खुशियां ही छीन गई। वहीं परिवार को जीवन के बीच मझधार में छोड़कर मुखिया चला गया। परिवार में पत्नी सहित चार बेटी और एक बेटा है। परिवार के मुखिया के चले जाने के बाद परिवार को चलाने वाला एक बेटा है, जो अभी इस लायक नहीं है, जिससे विधवा पत्नी के सामने परिवार चलाने के साथ मुखिया को मौत के सदमे में है। साथ ही में परिवार के सदस्यों ने बताया है कि हमारे पिता पशु अस्पताल में कंपाउंडर का काम करते थे, लेकिन मुखिया खत्म होने से हम एक माह से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं और साथ ही पेंशन चालू हो जाए उसके लिए कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं। तबीयत खराब थी 2-3 दिन से, फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो एडमिट में बता दिया कि वो कोरोना है, कि विदिशा ले जाओ, उनकी पल्स कमजोर है। तो वहाँ जाते ही से 1-2 घंटे में उनकी शांत हो गए। अच्छा, आपका परिवार उनके अलावा चलाने वाला, घर में कमाने वाला और कोई है? कोई नहीं है जी, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अब इनका क्या होगा, अब उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। फिर शासन तरफ से कोई मदद मिली? अभी तो कोई नहीं मिली। 3 बार विदिशा ऑफिस घुमाया लड़का, कोई सहायता नहीं मिली। प्रशासन ने ना से क्या उम्मीद करते हो आप? जी करते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ अनुकंपा युक्ति मिल जाए या फिर कोई सहायता मिल जाए। अभी हमारी एक लड़की भी है, 3 बच्चियों की हमने जैसे किस तरह से शादी की, अभी 2 बच्चे और हैं। मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, 3-4 दिन तबीयत खराब थी, तो सोमवार के दिन हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने बताया कोरोना पॉजिटिव है। शमशाबाद में रखा 2-3 घंटे, फिर कहने लगे विदिशा ले जाओ, एम्बुलेंस से विदिशा ले गए। विदिशा में भी 2 घंटे रखे, इसके बाद वो एक्सपायर हो गए, कोरोना से उनकी डेड हो गई। और हमारे परिवार में वो ही थे, मैं छोटा हूँ, मेरी एक और छोटी सिस्टर है, उनके द्वारा ही पूरा घर चल रहा था। अब 1 महीने हो गए 26 तारीख से, 1 महीने से बहुत परेशानी है, पूरी तंग आर्थिक स्थिति बन गई है। और मैं 5 बार समथिंग विदिशा भी घूम आया, आने जाने का खर्च होता है बहुत, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। मैं पेंशन के लिए भी गया मम्मी की, कहने लगे कागज़ दे जाओ, बाबूजी एक्सपायर हो गए, वहाँ भी कोई तो वो आएंगे फिर करेंगे। और मैंने अनुकंपा का भी बोला था, तो कह रहे थे कि अभी धीरे धीरे होगा काम, 1 महीना हो गया अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी पेंशन चालू नहीं हुई? अभी कुछ नहीं हुआ। क्या करते थे पापा? पापा वेटरनरी डिपार्टमेंट पशु चिकित्सा, हम कंपाउंडर की पोस्ट पे थे। अच्छा, जब तक पेंशन नहीं मिलती तब तक परिवार कैसे चलेगा? अब ये तो भगवान ही जाने, बहुत तंग ही है, कुछ भी नहीं है आय का साधन। आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि वर्धा में पदस्थ कमल जी की डेथ हो गई थी कोविड से। इस संबंध में मेरी वेटरनरी ऑफिसर से बात की गई है, उन्होंने बताया है कि उनके जो पेंशन प्रकरण थे बाकी सब क्लियरेंस लगभग कम्प्लीट है, और जो अनुकंपा नियुक्ति की बात आप कर रहे हैं इसमें भी उनकी कार्रवाई प्रचलनशील है, क्योंकि अभी कोविड पीरियड है, ऑफिसेज पूरी तरह चल नहीं रहे हैं और उनके कर्मचारी भी एक बार कोविड से प्रभावित है, उन्होंने बोला शीघ्र से शीघ्र। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।